हाँ जी, जियो कस्टमर नाम पे लिखा है अमर। सो हेलो गाइज, आई एम अभिषेक हियर। एंड अगर आपका जियो सिम डीएक्टिवेट हो गया है, बहुत दिन से आप रिचार्ज नहीं करा रहे होंगे, तो वो लोग डीएक्टिवेट करते थे सिम, तो सिम नंबर रीएक्टिवेट कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा भी डीएक्टिवेट हो गया था, मैं रीएक्टिवेट करवाया उसे। उसके स्ट्रेट टू द पॉइंट, उसके दो केसेस हैं। सबसे पहला केस, अगर आपका डीएक्टिवेट हुए 3 मंथ्स के अंदर है, देन आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे नियरेस्ट जियो स्टोर जाना है, वहाँ जाके फिर आपको बोलना है कि आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया, रीएक्टिवेट कर दीजिए। वो 20 रुपीज़ फाइन लेंगे, उसके बाद आपका सिम कार्ड सेम रीएक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा केस है, अगर आपका 3 मंथ से ज़्यादा डीएक्टिवेट हो गया है, तो वॉट यू हैव टू डू इज़, पिछला जो आपका सिम कार्ड था सेम नंबर का, उसका आपको ले जाना, सिम कार्ड ले जाना होगा। उसमें उसके पीछे 18 डिजिट का कोड लिखा रहता है, वो उनको ज़रूरत पड़ता है रीएक्टिवेट करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको चाहिए होगा। और सेम पर्सन जिसके नाम पे वो सिम कार्ड है, उनका ज़रूरत पड़ेगा केवाईसी के लिए। ऑल राइट, फिर आपको वो नया सिम देंगे। एंड सबसे बेसिक रिचार्ज, कोई भी फर्स्ट आपको रिचार्ज कराना होगा, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लान आप रिचार्ज करा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि महंगा ही कराए, सस्ता भी करा सकते हैं। उसके बाद विद इन 1 डे आपका सिम रीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको नया सिम मिलेगा, सेम नंबर रहेगा। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मोटिवेट मी टू मेक सम फ्यूचर हेल्पफुल वीडियोज़ फॉर अदर्स। एंड अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभिषेक हियर, एन्जॉय योर डे, बी हैप्पी।